हाँ जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल परीक्षा गाइड पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान में आने वाले 6-7 महीनों में कौन कौन सी पदों पर भर्ती होने वाली है, किस पद पर भर्ती आएगी और उसके अंदर कितने पद शामिल होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बहुत सी भर्तियां ऐसी है जिनकी वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है और कुछ भर्तियां ऐसी है जिनकी अभ्यर्थना बोर्ड के पास पहुंच चुकी है, लेकिन आदर्श आचार संहिता लगने के कारण बोर्ड इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पाया। जैसा कि आपको पता है कि 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव है और 3 दिसंबर को उसके परिणाम आने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि सरकार ने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि चुनाव से पहले बंपर भर्तियां देखने को मिलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। राजस्थान में अभी हाल ही में जो पशु परिचर की भर्ती आई थी उस पर भी रोक लगा दी गई है। ठीक है, जो राजस्थान में कांस्टेबल के जो फिजिकल चल रहे थे उनके ऊपर भी रोक लगा दी गई है। तो वर्तमान में जितनी भी भर्तियां थी उनको एक बार के लिए स्थगित कर दिया गया है। हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे कि आने वाले 5-6 महीनों में किन पदों पर आपको भर्तियां देखने को मिलेगी, क्योंकि इनकी वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। ठीक है, और इनकी अभ्यर्थना भी बोर्ड के पास पहुंच चुकी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी की भर्तियां शामिल है। ठीक है, तो सबसे ये कि आचार संहिता के बाद इन पदों पर भर्तियां होंगी। ठीक है, कुछ पद ऐसे हैं जिनकी वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। तो सबसे पहली जो भर्ती है वो है कनिष्ठ अनुदेशक की, जिसके अंदर 2500 पद शामिल है। ठीक है दोस्तों, 2500 पदों पर आएगी। उसके बाद है एलडीसी की भर्ती जो 3886 पदों पर होने वाली है। उसके बाद है स्कूल व्याख्याता की, जिसमें 2000 पद है। फिर है वरिष्ठ अध्यापक की, 1000 पद है, इनकी वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। ठीक है, उसके बाद है लाइब्रेरियन की, लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड और लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड। ठीक है, टोटल दोनों को मिलाकर 800 पद शामिल है। फिर है पटवारी भर्ती, पटवारी की भर्ती में 2998 पद है, इन पदों पर वैकेंसी आएगी। फिर है नायब तहसीलदार, 225 पद है। पहले आरएस के थ्रू ये भर्ती होती थी, लेकिन 50% सीटें डायरेक्ट अब एग्जाम से भरी जाएंगी। फिर जो 8वें नंबर पर भर्ती आएगी वो है महिला अधिकारिता सुपरवाइजर, इसमें टोटल पद है 176। फिर जो 9वीं भर्ती है वो है महिला बाल विकास विभाग में, 209 पदों पर ये वैकेंसी होने वाली है। उसके बाद है जल संसाधन पटवारी भर्ती, जिसके अंदर 272 पद हैं। फिर है जिलेदार, जिलेदार के जो पद हैं वो 7 पद है, 7 पदों पर आएगी। टोटल 11 भर्तियां हैं जो आपको आने वाले 5 से 6 महीने में देखने को मिलेंगे, जैसे ही नवगठित सरकार का गठन होगा और उसके बाद जो भर्तियों की अभ्यर्थना पहुंच चुकी है बोर्ड में तो उनको जल्दी से जल्द जारी करेगी बोर्ड। तो आपके पास भरपूर टाइम है तैयारी करने का। ठीक है दोस्तों, अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकते हो ताकि आपको बाद में ये ना लगे कि नोटिफिकेशन अब आया है तो हमारे ऊपर ज्यादा प्रेशर है, 3-4 महीने में कैसे तैयारी होगी। तो अभी भरपूर टाइम है आपके पास। ठीक है, क्योंकि चुनाव के बाद जो भी सरकार बनेगी कम से कम 4-5 महीने तो आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कोई न्यू वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन 5-6 महीने जैसे ही होंगे नई सरकार को बनने को तो उसके बाद आपको भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बता दिया है जो भर्तियां बोर्ड के पास पहुंच चुकी है अभ्यर्थना, उनके ऊपर तो नोटिफिकेशन जरूर श्योर है कि निकलने वाला है। लाइब्रेरियन की तैयारी है करनी है वो कर लो। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इन पदों पर तो भर्तियां आने वाली है। पद जरूर कम है लेकिन 100% गारंटी की बात है इनमें पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जरूर पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी, तो इसीलिए तैयारी में लगे रहो। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।